राजधानी रायपुर में राजधानी पुलिस काफ़ी एक्शन मोड पर दिखाई दे रहा है लगातार। कल भी जिस तरीके से गली मोहल्ले में घूम करके बाइक रैली निकाल करके जो पुलिस के द्वारा एक्शन देखने मिला, लोगों को समझाइश दी गई, लेकिन आज राजधानी रायपुर में राजधानी रायपुर पुलिस की तस्वीरें दिखा रहे हैं हम कुछ, काफ़ी एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से आने जाने वाले लोगों की एक सघन चेकिंग है जो एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है, निश्चित तौर पर ये तस्वीरें साफ जाया कर रही है कि पुलिस लोगों को समझाइश के साथ साथ एक्शन मोड में भी लाने की तैयारी चल रही है। सीधे आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके से लगातार पुलिस को द्वारा पूछताछ हो रही है और लगातार उनको दस्तावेज दिखाने की बात हो रही है। तो निश्चित तौर पर राजधानी रायपुर पुलिस एक्शन मोड पे है और लगातार पुलिस की यहाँ पर सघन चेकिंग जारी है। हमारे साथ एडिशनल एसपी लखन पटले सर है। सर, लगातार एक बार फिर से कल की बात आज की बात करें तो आज भी एक सघन चेकिंग के साथ एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। रोज़ लगातार चेकिंग हो रही है, रोज़ एक्शन में रहते हैं हम और पुलिस सभी जगह पे स्टॉपर लगा के चेकिंग कर रही है और ऐसे लोग जो बेवजह घूम रहे हैं, हालांकि इस प्रकार के लोग बहुत कम हैं, कोई ना कोई रीज़न से ही जा रहे हैं क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग एडमिट हैं और उनके परिजन कोई टिफ़िन लेके जा रहा है, कोई टेबलेट लेके जा रहा है, कोई इंजेक्शन लेके जा रहा है, इस प्रकार की चीज़ें ज़्यादा सामने आ रही है। मेडिकल स्टोर लोग भी घर पहुंच सेवा दे रहे हैं, होम डिलीवरी दे रहे हैं, तो इसमें भी बहुत सारे लोग हैं जो पास लेके जा रहे हैं, उनको भी चेक कर रहे हैं हम लोग कि बेवजह और ऑड टाइम पर तो नहीं घूम रहे हैं। तो लगातार चेकिंग अभियान जारी है और सख्ती के साथ जारी है। कल की बात करें तो कल भी गली मोहल्ले में घूम करके बाइक रैली निकाल करके लोगों को समझाइश दी है। हाँ, आज भी निकालेंगे और कल पुरानी बस्ती और कोतवाली क्षेत्र में पेट्रोलिंग निकली थी, बाइक पेट्रोलिंग। आज सिविल लाइन क्षेत्र और आज़ाद चौक सब डिवीज़न में निकलेगी टीमें और अंदरूनी इलाकों के जितने भी गलियां जहां पर लोग घर से बाहर निकल के आराम फरमाते हैं या फिर उनको कोई अंदेशा नहीं है, उनके बच्चे बाहर निकल खेलते हैं, तो ये सबको समझाइश देंगे और कार्रवाई करेंगे। आने वाले समय में किस तरह से राजधानी रायपुर एक नया एक्शन मोड में दिखाई देने वाली है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जो लॉकडाउन का नियमों का पालन कराने के लिए लगातार तत्पर दिखाई दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, सभी तैनात हैं और जूझ रहे हैं। हमारे लोगों को भी, कुछ लोगों को कोविड हुआ है, उनको भी नज़र रखे हुए हैं और सभी थाने को सैनिटाइज करने के लिए बोला गया है, तो लगातार पुलिस काम कर रही है। जवानों को किस तरह से आप संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि लगातार वो भी इस जंग की घड़ी में लगातार मैदान पर डटे हुए हैं। सभी थानों को ब्रीफ कर दिया गया है, सभी थाना प्रभारी को ब्रीफिंग किया गया है कि जहां पर भी पॉजिटिव आ रहे हैं हमारे लड़के वहाँ पर लगातार सैनिटाइज कराएं, साथ ही सभी को रूटीन में भी सैनिटाइज कराने के लिए बोला गया है। सब अपने पास सैनिटाइज़र लेकर चल रहे हैं, मास्क भी लगा रहे हैं अच्छे क्वालिटी का, तो सभी को हिदायत दी गई है। तो ये थे हमारे साथ एडिशनल एसपी लखन पटले सर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि राजधानी रायपुर पुलिस लगातार सघन चेकिंग जारी है, आज भी बाइक रैली के माध्यम से लगातार लोगों को यहाँ पर बधाई देंगे। ये तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस की बैरिकेडिंग लगी हुई है। ये जयस्तंभ चौक है, चौक के चारों तरफ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर है वो व्यवस्था की गई है और किस तरह से यहाँ पर लोगों की चेकिंग की जा रही है। लगातार सघन चेकिंग के माध्यम से राजधानी रायपुर पुलिस लोगों को हिदायत देते हुए नजर आ रही है कि किस तरीके से इस लॉकडाउन का पालन किया जाए। लोगों को जो हर्जाना है वो भी यहाँ पर चुकाना पड़ रहा है, क्योंकि बेवजह घूमने वालों के लिए राजधानी रायपुर पुलिस निश्चित तौर पर एक एक्शन मोड में दिखाई दे रही है और उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा जो लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करते हुए नजर आएंगे। कैमरा पर्सन हितेश साहू के साथ अर्जुन शर्मा, रायपुर, छत्तीसगढ़।